डियर स्टूडेंट, आज हम लीनियर एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके फिजिक्स में क्या क्या एप्लीकेशन है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल रॉड डिस्कस करते हैं, या इसे हम रोप कह लेते हैं, जिसका मास m और लेंथ l है। तो हमें मालूम है कि इसकी लीनियर मास डेंसिटी लेमडा विल बी इक्वल्स टू m बाई l, यानी मास पर यूनिट लेंथ। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट P कर, ये एक पॉइंट O मान लेता हूँ और ये एक पॉइंट P ले लूँ, और OP लेंथ को अगर मैं कहता हूँ X, तो OP लेंथ का मास MX जो होगा यूनिटरी मेथड से, अगर हम कहें कि लेमडा पर यूनिट मास है तो MX की वैल्यू लेमडा X होगी, यानी M बाई L इंटू X होगी। अब अगर ये हाफ लेंथ है यानी X की वैल्यू L बाई टू, तो मास भी हाफ हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि ये लेंथ टू थर्ड है, तो ये मास mx भी कितना आएगा, x की वैल्यू 2l बाई थ्री रख देते हैं, 2m बाई थ्री। तो जैसे से हम जितनी प्रोपोर्शनेट रेशो में लेंथ ले रहे हैं, उसी प्रोपोर्शनेट रेशो में ये लेंथ OP का मास बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं x की वैल्यू l ले लूँ तो टोटल रोप हो जाएगी, तो mx की वैल्यू m हो जाएगी। पर ये तभी वैलिड है जब यहाँ पर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, तभी इक्वल लेंथ में इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूट होगा। दोस्तों, अब हम एक रोड की बात करते हैं जिसकी मास डेंसिटी वेरिएबल दी गई है, यानी यहाँ पर जो मास डेंसिटी पर यूनिट लेंथ है वो चेंज हो रही है, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पे मास रोड का बहुत कम हो और जैसे से आगे हम जाए रोड का मास बढ़ता चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन के पास, जिसको हम कह लेते हैं 0 0, जो कि रोड एक्स एक्सिस के लोंग प्लेस हुई हुई है, यहाँ पर मास बहुत ज़्यादा हो और यहाँ पर मास बहुत कम हो। तो ऐसे में मास डेंसिटी लीनियर मास डेंसिटी फंक्शन डिफाइन कैसे होता है? तो हम यहाँ पर x डिस्टेंस पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मानेंगे dx, और इसका मास हम एज्यूम करेंगे dm। तो लेमडा जो वेरिएबल मास डेंसिटी होती है, तो dm लेमडा इज इक्वल टू डिफाइन एज dm बाई dx, जहाँ पर dm है मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। नाउ dm कैन बी रिटन एज लेमडा dx। अब हम एक वैसी बात करते हैं, यहाँ पर लेमडा अगर कांस्टेंट होता, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, तो लेमडा की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू दी होती लेमडा नॉट, और लेमडा अगर वेरिएबल है कोई फंक्शन है, तो हमें लेमडा का एक फंक्शन दिया होता, लेट लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल, हेयर एल इज द लेंथ ऑफ रोड। जरूरी नहीं ये कोई ये यही फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है, अलग अलग फंक्शन के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर जो अप्रोच है वो यही रहेगी। अब हम सबसे पहले एक सिंपल केस लेते हैं कि लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट दी होती, यानी कांस्टेंट, तो क्या हमें रिजल्ट पिछली इक्वेशन जैसा मिलता? मेरा आंसर है यस, बहुत आसानी से हम यहां पर लेमडा की वैल्यू पुट करते अगर कांस्टेंट है। तो अब हमें टोटल मास निकालने के लिए, मतलब समेशन कंटिन्यूअस समेशन इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन, अगर हम एलिमेंट dx देखें, क्योंकि लेमडा नॉट कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर चला गया। अब हम यहां पर इसमें लिमिट डालेंगे, अब x जो है ओरिजिन से स्टार्ट होकर l तक जाएगा, तभी सारे, अगर हम ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट सारे देखते चले जाए, तो x को हम 0 से l तक कवर कर दे, तो वो पूरे एलिमेंट इस रॉड को कवर कर लेंगे, तो लिमिट हो जाएगी 0 से l, और dm की लिमिट डाल देंगे 0 से m, तो आप अगर इसे इंटीग्रेट कर दे तो m इज इक्वल टू लेमडा नोट l आ जाएगा, लेमडा नोट की वैल्यू m बाई l हो जाएगी, जैसे हमने पहले डिफाइन किया था। दिस इज द सेम रिजल्ट विच वी गेट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, पर अगर मास डेंसिटी वेरिएबल है तब थिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उस केस में dm की वैल्यू होगी लेमडा dx। अब हम जब इन वैल्यू को लिखेंगे तो dm की वैल्यू आएगी लेमडा नोट 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू dx। अब सेम वैसी टोटल मास निकालने के लिए हमें इस सारे dm को ऐड करना पड़ेगा, एडिशन मतलब कंटिन्यूस एडिशन मतलब इंटीग्रेशन
यहाँ लिमिट हो जाएगी 0 से m, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था सारे एलिमेंट का मास जोड़ना है, तो सारे एलिमेंट का मास जब हम शुरू करेंगे तो एलिमेंट 0 से स्टार्ट होकर l तक जा रहा है, तो यहाँ पर लिमिट जाएगी 0 से l। कंटिन्यूस समेशन इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन। इधर अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू आएगी 0 से m इज इक्वल टू लेमडा नोट, यहाँ कॉमन आ जाएगा, हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो ये इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स 0 से l प्लस एक्स बाई एल डी एक्स लिमिट 0 से l। अब अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दे और लिमिट को पुट कर दे तो m की वैल्यू हो जाएगी लेमडा नोट l प्लस एक्स डी एक्स हाफ एक्स स्क्वायर और लिमिट है l, तो ये वैल्यू आ जाएगी, हाँ l बाहर था और 2 इंटीग्रेशन का बाहर आएगा एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से l। इसको सिंप्लीफाई करने पर लेमडा नोट यहाँ मल्टीप्लाइड में है, तो लेमडा नोट l प्लस लेमडा नोट l बाई 2, तो टोटल मास यहाँ पर आ गया 3 लेमडा नोट l बाई 2। तो अगर हमें कोई भी फंक्शन दे दिया जाए तो इस मेथड का यूज़ करके हम वेरिएबल मास डेंसिटी, किसी भी कोई भी फंक्शन हम बहुत आसानी से वेरिएबल मास डेंसिटी की रोड का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस अप्रोच इज नोन एज लीनियर एलिमेंट अप्रोच।